नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1989 में रिलीज फिल्म जादूगर के बारे में। जादूगर मूवी को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने और इसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, आदित्य पंचोली, अमृता सिंह, अमरीश पुरी और प्राण लीड रोल में थे। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने इससे पहले एक साथ 7 फिल्में बनाई थी और वो 7 फिल्में हैं जंजीर, खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी। और जादूगर मूवी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा द्वारा साथ बनाई गई आखिरी फिल्म थी। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी टूट गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जादूगर फिल्म बनने के समय से ही मुश्किलों में थी। सबसे पहले इस फिल्म को बनाने का विचार आया 79 में। फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा यह फिल्म अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को लेकर बनाना चाहते थे और पहले इस फिल्म का टाइटल रखा जा रहा था गुलामी। लेकिन यह फिल्म तब बंद हो गई जब विनोद खन्ना ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और वह रजनीश ओशो के आश्रम पर चले गए। और विनोद खन्ना के यह फिल्म छोड़ने के बाद यह फिल्म फिर बंद हो गई। और उसके कुछ समय बाद 1980 में इस फिल्म से नाम जुड़ा कुणाल गोस्वामी का, जो कि अपने ज़माने के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के बेटे हैं। लेकिन तब फिर कुणाल से भी बात ना बन सकी और फिर यह फिल्म दोबारा से बंद हो गई। और उसके कुछ साल बाद 1986 में प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर से इस फिल्म पर काम शुरू किया, लेकिन तब भी वह सफल नहीं हो पाए क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन अपने राजनीति के करियर पर ध्यान दे रहे थे और इस बात को लेकर प्रकाश मेहरा ने फिल्म की स्टार कास्ट बदलने का फैसला किया। और उसके बाद प्रकाश मेहरा ने सेकेंडरी रोल के लिए मिथुन या संजय दत्त तथा लीड रोल के लिए विनोद खन्ना को साइन करने का फैसला लिया। प्रकाश मेहरा इन रोल्स के लिए इन एक्टर्स से बात करने की सोच ही रहे थे और वह इनसे बात करने ही वाले थे कि इस कहानी में फिर से एक मोड़ आया। और यह मोड़ तब आया जब अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा से पूछा कि वे एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा को जादूगर फिल्म की याद दिलाई कि आप वो फिल्म शुरू करने वाले थे, वो फिल्म क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं। और तब प्रकाश मेहरा ने सेकेंडरी रोल के लिए एक बार फिर संपर्क किया विनोद खन्ना जी से, लेकिन विनोद खन्ना ने फिर से इस फिल्म के लिए मना कर दिया क्योंकि विनोद खन्ना फिल्म में लीड रोल चाहते थे, वो कोई भी सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते थे। और इस वजह से फिर से उनसे बात नहीं बनी। और इसके बाद फाइनली इस रोल के लिए साइन किया गया मिथुन दा को और मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। और मिथुन दा अपने कुछ हिस्सों की शूटिंग भी कर चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने भी यह फिल्म छोड़ दी क्योंकि बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि फिल्म में उनके लिए कुछ खास नहीं है। जादूगर फिल्म में उनका जो रोल है वह बहुत कमजोर रोल है। और मिथुन दा के मना करने के बाद प्रकाश मेहरा ने इस रोल के लिए फाइनली साइन किया न्यू कमर आदित्य पंचोली को। हालांकि आदित्य पंचोली पहले भी फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर उनके खाते में कोई खास फिल्म या खास काम नहीं था। और दोस्तों, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई थी तब इसकी मेन स्टार कास्ट थी अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अमृता सिंह। और दोस्तों, अभी फिल्म की स्टार कास्ट की बात हो रही है तो पहले स्टार कास्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। बात करते हैं फिल्म के अन्य किरदारों के बारे में। तो इस फिल्म में अमृता सिंह का जो रोल है, पहले वह ऑफर किया गया था फराह को, फराह जो कि तब्बू की बड़ी बहन है। और जब फराह से इस रोल के लिए बात की गई तो उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि फराह का कहना था कि वह अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें फिल्म में लीड रोल दिया जाए और इस वजह से उनसे बात नहीं बनी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रजा मुराद वाले रोल की। इस रोल के लिए प्रकाश मेहरा सुरेश ओबेरॉय को लेना चाहते थे, लेकिन सुरेश ओबेरॉय ने इस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि सुरेश उस समय कोई नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह थी कि हाल ही में रिलीज हुई कालचक्र मूवी सुपरहिट हुई थी जिसमें सुरेश ओबेरॉय लीड रोल में थे और सुरेश ओबेरॉय का सोचना था कि कालचक्र फिल्म के हिट होने से वह दोबारा से लीड रोल में वापसी कर सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने जादूगर फिल्म में इस नेगेटिव रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल गया रजा मुराद के खाते में। और दोस्तों, इस फिल्म का जो सेकेंडरी रोल था जो निभाया था आदित्य पंचोली ने, अभी इस वीडियो में आपने जाना कि प्रकाश मेहरा ने उस रोल के लिए किस किस से बात की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि उस रोल के लिए प्रकाश मेहरा से किसने बात की। वो थे राज बब्बर जी।
राज बब्बर को जब जादूगर फिल्म के बारे में पता चला तो वह उस रोल को करना चाहते थे। उस रोल के लिए विनोद खन्ना के मना करने के बाद राज बब्बर वह भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। राज बब्बर को यह रोल बहुत पसंद आया और उन्हें लगा कि यह फिल्म उनके करियर को बेहतर बना सकती है। विनोद खन्ना ने फिल्म छोड़ दी, लेकिन प्रकाश मेहरा तब राज बब्बर के पास ना जाकर सीधे मिथुन चक्रवर्ती के पास चले गए, क्योंकि प्रकाश मेहरा राज बब्बर को इस फिल्म में लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उसके पहले फिल्म एक्ट्रेस रेखा की वजह से राज बब्बर और अमिताभ बच्चन में कुछ अनबन चल रही थी। और राज बब्बर को फिल्म में ना लेने का दूसरा कारण था राज बब्बर की घटती स्टार पावर, और इस वजह से प्रकाश मेहरा राज बब्बर के पास ना जाकर सीधे मिथुन चक्रवर्ती के पास गए और उन्हें इस फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा जादूगर के तुरंत बाद इसका सीक्वल रिलीज करना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होते ही उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। और दोस्तों, इस फिल्म में एक गीत था, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। यह सॉन्ग एक रीमेक सॉन्ग था। अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, क्या कहूं क्या हुआ है कमाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। यह गाना रीमेक था हरिदास जयराम के बैठक गाना पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल से। हरिदास जयराम जी अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय कलाकार हैं, और अमिताभ बच्चन जी जब हॉलैंड में थे तब उन्होंने यह गाना सुना, और यह गाना सुनते ही उन्हें बहुत पसंद आया, और तभी उन्होंने हरिदास जी से यह गाना खरीद लिया था, और फिर बाद में इसे जादूगर फिल्म में यूज किया गया। और दोस्तों, जादूगर फिल्म का एक गाना ऐसा भी है जो आपको फिल्म में नहीं मिलेगा। प्रकाश मेहरा जी ने इस फिल्म के लिए एक पैरोडी गाना भी रिकॉर्ड किया था, जिसके बोलते हम क्या समझें आपको। और दोस्तों, यह गाना शूट भी हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह गाना फिल्म में नहीं डाला गया, और प्रकाश मेहरा ने डिसाइड किया कि इस गाने का वीडियो वर्जन केवल वीडियो सीडी में ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर जादूगर फिल्म हिट होती है तो बाद में इसे थिएटर प्रिंट्स में भी शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से यह गाना कहीं भी रिलीज नहीं किया गया। प्रकाश मेहरा इस फिल्म के जादू वाले सीन्स के लिए इंटरनेशनल जादूगर डेविड कॉपरफील्ड को लेना चाहते थे। दरअसल प्रकाश मेहरा चाहते थे कि डेविड इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल का काम करें, जिससे कि फिल्म में कुछ रियल टच आ सके। लेकिन डेविड कॉपरफील्ड ने इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा अमाउंट मांगा था, जो कि प्रकाश मेहरा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इस वजह से उन्हें इस फिल्म में लेने का निर्णय बदल दिया गया। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के रिश्ते में दरार आ गई। जादूगर फिल्म की अनाउंसमेंट 1987 में हो गई थी, लेकिन काफ़ी समय हो गया अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए कोई डेट्स नहीं दे रखी थी, और उसी दौरान एक पार्टी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा दोनों लोग आए हुए थे, और प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से थोड़े खफा भी थे, और उनकी फिल्म जादूगर पर ध्यान न देने के लिए प्रकाश मेहरा ने शराब के नशे में अमिताभ बच्चन को पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहा। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वह शायद भूल गए हैं कि जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को उन्होंने ही ब्रेक दिया था, नहीं तो उससे पहले वह क्या थे। और ऐसी ही काफ़ी बातें प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को सुनाई, और सबको यही लग रहा था कि इस घटना के बाद प्रकाश मेहरा जादूगर फिल्म का विचार तो छोड़ ही चुके होंगे। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद अमिताभ बच्चन जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और प्रकाश मेहरा जी को फ़ोन किया और कहा कि किसने कहा कि मैं आपकी जादूगर फिल्म नहीं कर रहा हूँ, आप बस मुझे इसमें शामिल रखिए और अपना काम शुरू कीजिए, मैं जल्दी ही कोई डेट्स देता हूँ। और अच्छी बात यह रही कि इस घटना का इन दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन कहानी में फिर एक ट्विस्ट आया। जब यह फिल्म जादूगर बनकर तैयार हो गई और रिलीज होने के लिए लगभग तैयार ही थी, उसी समय इसके शायद 2 हफ्ते पहले अमिताभ बच्चन की ही एक फिल्म तूफान रिलीज हुई, और तूफान फिल्म में भी अमिताभ बच्चन एक जादूगर की भूमिका में थे, और यह देखकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से काफ़ी नाराज हो गए। प्रकाश मेहरा जी को लगा कि अमिताभ बच्चन ने उनके साथ धोखा किया है। जब अमिताभ बच्चन पहले से ही किसी फिल्म में जादूगर की भूमिका कर रहे थे तो उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई, अमिताभ बच्चन को तूफान फिल्म के बारे में मुझे बताना चाहिए था। लेकिन इस पर अमिताभ बच्चन का कहना था कि तूफान और जादूगर दोनों अलग अलग फिल्में हैं। तूफान फिल्म में वह एक सड़क पर जादू दिखाने वाले की भूमिका में हैं, लाइक अ स्ट्रीट मैजिशियन, लेकिन जादूगर फिल्म में वह एक प्रोफेशनल जादूगर की भूमिका में हैं।
इसलिए इसमें बताने जैसी कोई बात ही नहीं थी। और इस पर भी प्रकाश मेहरा राजी हो गए, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन से 2 सप्ताह की डेट्स मांगी। उन्होंने अमिताभ बच्चन से 2 सप्ताह और शूटिंग करने के लिए कहा, जिससे कि वह जादूगर फिल्म में थोड़ी चेंजेस कर सकें। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ऐसा करने से मना कर दिया और इससे प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से काफी नाराज हो गए। और यही वजह थी कि इन दोनों के संबंधों में दरार आ गई। और इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा ने कभी भी कोई फिल्म साथ में नहीं बनाई। जादूगर फिल्म अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी, जिस वजह से यह फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वह इस फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट का आपको पता चल सके। तो जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई कहानी, नया किस्सा या फिर कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।